देखो एक बात तो पक्की है कि बिजली और पानी का कोई रिश्ता नहीं होता है। अगर आप कोई बिजली का कंपोनेंट पानी के अंदर डालोगे तो उस बिजली के कंपोनेंट का क्या होगा आप जानते हो। लेकिन गेमिंग पीसीज लोग पानी के अंदर डुबा के चला रहे हैं, ऐसा क्यों? ये गेमिंग पीसीज फुक क्यों नहीं रहे, पानी के अंदर डूब के चल रहे हैं? इन पीसीज को एक्वेरियम पीसीज भी कहा जाता है। और ये आपने अब तक एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग का तो नाम सुना होगा, इमर्जन कूलिंग का आपने नाम नहीं सुना होगा कि पानी में डुबो दो और डूब के ठंडे होते हैं पीसी। आज का वीडियो आपका दिमाग एकदम खराब कर देगा भाई, देखो आज का। कई पीसी बिल्डर्स ये अपना सर खुजाने लगते हैं कि ये पीसी पानी में क्यों रखा हुआ है और ये फुक क्यों नहीं रहा है, ये चल कैसे रहा है। उसका राज ये है कि ये एक्चुअली में पीसीज पानी में नहीं डूबे हुए, पानी में डूबते तो फुक जाते, ये एक्चुअली में मिनरल ऑयल में डूबे हुए हैं। मिनरल ऑयल जो होता है वो नॉन कंडक्टिव होता है, यानी कि इसमें आप डुबाओगे अपने पीसी कंपोनेंट्स में तो आपस में बिजली नहीं बहेगी, फूकेंगे नहीं। पानी जो है कंडक्टिव होता है, इसलिए आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फूक जाते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग नहीं जानते उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये पीसी जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है और कोई चमत्कार की वजह से ये फूक नहीं रहा है, चल रहा है। क्या इसके पीछे राज है वो लोगों को समझ में नहीं आता। और आप सोचो कंप्यूटर का एक एक पार्ट जो है इस ऑयल में डुबो दिया गया, यानी कि मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, सीपीयू, रैम। ये बात तो पक्की हो गई कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन हीट कंडक्टर बहुत अच्छा होता है मिनरल ऑयल, यानी कि जो भी आपका सीपीयू या जीपीयू गर्मी निकालेगा वो फौरन ऑयल में आके ऊपर बह जाएगी। ये मिनरल ऑयल जो है बिजली तो कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए आपके कंपोनेंट्स नहीं फूकते, लेकिन हीट कंडक्टर बहुत अच्छा है। डायरेक्ट इसमें आपका सीपीयू और जीपीयू अपनी गर्मी छोड़ देते हैं। एयर कूलिंग से भी ज्यादा बढ़िया कूलिंग होती है इस इमर्जन कूलिंग सिस्टम में। कई बड़े डाटा सर्वर्स होते हैं वो करते हैं ये, उनके तो कंपोनेंट्स इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि नॉर्मल एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग से उनका काम नहीं चलता, वो तो समुद्र के पानी में डुबो देते हैं अपने पूरे पूरे डाटा सर्वर्स। पंखे का बिल्कुल चक्कर ही खत्म हो जाता है अगर आप ऐसा पीसे दो, पंखा लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, सीपीयू डायरेक्ट ऑयल के अंदर अपनी गर्मी छोड़ देगा। पंखे तो वहां चलते हैं ना जहां एयर की जरूरत होती है, लेकिन कई एक्वेरियम पीसीज में आप देखोगे पंखे लगे होते हैं जिससे कि फील आए कि पनडुब्बी जैसी फील आती है, जैसे पनडुब्बी का पीछे वाला पंखा नहीं होता स्लोली घूमता रहता है, तो वैसी फील आती है। जरूरत पंखे की बिल्कुल नहीं है इस पीसी में। और आप सोचो हैवी लोड के अंदर आपका पीसी सबसे ज्यादा ठंडा चलेगा और कोई फैन की नॉइज नहीं। नॉर्मल पीसीज में जितना कूल वो आपकी गर्मी बढ़ती जाएगी, जितना लोड बढ़ता जाएगा पीसी पे उतने ज्यादा पंखे तेज चलेंगे और आवाज होगी, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कई लोग कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मेरा कंप्यूटर इतने लोड में चल रहा है और उसमें से आवाज नहीं आ रही है। और दूसरा कई लोग हैं जिनके लिए मान पाना ही मुश्किल है कि डूब के चल कैसे रहा है, इसके पीछे क्या ट्रिक है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि सीपीयू खुला पड़ा है, सीपीयू पे कोई कूलर नहीं है और फिर भी ये फुक क्यों नहीं रहा पीसी। एक बात बता दूं मैं आपको, ये है तो शौकीनों वाले काम, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। ये इमर्जन कूलिंग अगर आप करते हो तो बड़ी महंगी पड़ती है, डाटा सर्वर्स के लिए उनके फायदे की चीज है, लेकिन एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए ये काम की चीज नहीं है, शोबाजी की चीज है। ऑब्वियसली बात है जब आरजीबी का जमाना चल रहा है तो अगर आप शोबाजी करना चाहते हो तो अल्टीमेट शोबाजी इससे हो जाएगी, आपका पीसी जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पीस ऑफ आर्ट हो। और बताओ अच्छी बात ये लगती है जैसे आरजीबी है, चलो कूल है, लेकिन प्रैक्टिकल वाली चीज नहीं है। जब तक आप ये ना कहो कि उस आरजीबी से रोशनी होती है तो मुझे टेबल लैंप की जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिकल यूज है आरजीबी का। लेकिन इस शोबाजी से एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल यूज है कि आपका पीसी जो है ठंडा रहता है, जो कंपोनेंट्स है उनकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन इसके थोड़े नुकसान भी हैं, एक नुकसान तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये महंगा पड़ता है। दूसरा क्या है, अगर आप मिनरल ऑयल में डुबोते हो तो सब चिपचिपा जाता है, अगर कोई रिपेयर करनी है ना तो कंपोनेंट निकालोगे आप, सब चिपचिप में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन 3M नाम की एक कंपनी है, उसका भी एक लिक्विड आता है और वो शानदार लिक्विड है। उसकी एक खासियत तो ये है कि उसमें आप नोट भी डुबा डुबा के देखोगे ना तो नोट सूखा हुआ निकलता है, तो उसमें पीसी कंपोनेंट्स डुबाए जा रहे हैं जो कि गीले नहीं होते, निकालते हो आप तो ऑयल चिपचिपाता नहीं है वहां पे। और उसमें जो लिक्विड मिनरल ऑयल की जगह यूज होता है उसका वेपोरेशन पॉइंट भी थोड़ा 57 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जल्दी जल्दी वेपर्स बनते हैं, हीट डिसिपेशन बहुत बढ़िया वाला होता है। तो कह रहा है आपका, आप भी डुबोएंगे तेल के अंदर अपना पीसी? मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने 3 साल पहले ये चीज करने की सोची थी कि सस्ते कंपोनेंट्स के साथ ये खेल करूंगा, लेकिन फिर मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मेरा हर पीसी में मैं उठक पटक करता हूं, उठा पटक का मेरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। पीसी तो बड़ा सुंदर लगेगा हमेशा हमेशा देखने में, लेकिन फिर मैं कुछ कर नहीं सकता उसके साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहले आप सब्सक्राइब करना, मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं डिकमेंट चैनल, तो अगले वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।